बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, फ्यूचर सिंपल. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? एवरीवन इज रेडी? यस. ओके ओके, सो द फ्यूचर सिंपल, टुडेज लेक्चर वी वांट टू टॉक अबाउट फ्यूचर सिंपल. आज बात करेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही अहम लेक्चर फ्यूचर सिंपल की. मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश में जितने भी टेंसेज हैं, 12 हैं, 12 में से आप 6 पे अच्छी कमांड हासिल कर लें तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये 6 टेंसेस सबसे ज्यादा बोले जाते हैं इंग्लिश के अंदर. और वो 6 टेंसेस कौन से हैं, जिनमें से 3 प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट. उसमें से 2 पास्ट के हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव, और 1 फ्यूचर का है. वो कौन सा है? फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल 1 है फ्यूचर का. फ्यूचर सिंपल 3 प्रेजेंट, 2 पास्ट और 1 फ्यूचर का. अगर ये 6 टेंसेस अच्छी तरीके से हमें आ जाएं तो हम एक जनरल इंग्लिश बोल सकते हैं. हम इन्हीं टेंसेस में वीक होते हैं. ओके, तो लेक्चर का नाम है फ्यूचर सिंपल. इरशाद, इसका पुराना नाम था फ्यूचर इनडेफिनेट, अब न्यू नेम है फ्यूचर सिंपल. इज अ न्यू नेम, द ओल्ड नेम इज फ्यूचर इनडेफिनेट, द न्यू नेम इज फ्यूचर सिंपल. ओके, यस, फ्यूचर सिंपल. एक बात तो समझ आ रही है लेक्चर के नाम से, मैं हमेशा ही सबसे पहले नाम पे फोकस करता हूँ. नाम से एक बात तो समझ आ रही है कि लेक्चर किस बारे में बात करता होगा. ये लेक्चर फ्यूचर के बारे में बात करता होगा, फ्यूचर सिंपल. अच्छा, हम लोग इस लेक्चर में काफ़ी अच्छे होते हैं फ्यूचर सिंपल के अंदर. हाँ, पास्ट सिंपल में, पास्ट प्रोग्रेसिव में, पास्ट के टेंसेस में बहुत वीक होते हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा, तो लेक्चर का नाम है फ्यूचर सिंपल, द ओल्ड नेम इज फ्यूचर इनडेफिनेट. इनडेफिनेट, ओके. डेफिनेशन, द डेफिनेशन इज वी यूज इट फॉर फ्यूचर एक्शंस. हम इसे यूज करते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए. मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ डेफिनेशन लिखी हुई है फ्यूचर सिंपल भी, फ्यूचर सिंपल की. कहीं पर लिखा हुआ है कि वी यूज इट फॉर फ्यूचर एक्शंस, कहीं पर लिखा हुआ है एनी एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड येट, ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ है. जाहिर सी बात है, अभी तक नहीं हुआ तो कब होगा? फ्यूचर में ही होगा ना. अभी तक नहीं हुआ तो कोई कहता है कि एनीथिंग विच, एनी एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, वो भी वही बात हो गई. सब बातों का द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब है कुल मिला के बात यह है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट इज दैट, द समरी इज दैट, द सेंट्रल आइडिया इज दैट, ओके, द कंक्लूजन इज दैट ऑन द वॉल. मजमुई तौर पर बात यह है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, the long and short is that we use future simple for future actions. aise tamam kaam jo kab honge, kashif kab honge, future mein honge, aise tamam kaam jo future mein honge unhe batane ke liye future simple istemal hota hai. future simple istemal hota hai unhe batane ke liye. bahut hi simple formula hai, jaise future ke kaam, jaise ab main future ka koi kaam puchta hu, bhai kal kya karenge aap, ya abhi yahan se jane ke baad kya karenge. okay, main kehta hu bhai hamdan kya karenge, kehte hain sir I will take dinner, main dinner karunga. तो डिनर कब करेंगे? फ्यूचर में. काम कब होगा? फ्यूचर में. कहते हैं आई विल टेक डिनर, आई विल टेक डिनर. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ ध्यान दे देते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं. बहुत ही आसान और सिंपल फॉर्मूला है इसका. अगर इसके फॉर्मूले में से आप हेल्पिंग वर्ब हटा दें तो आपको प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला नजर आएगा. ये अगर ये विल हटा दें तो आपको नजर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन यू विल सी द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट सिंपल. So what we need to do, all in all, we need to add one helping verb in the formula of future simple. Then we will make the formula of, we will have to add will in the formula of present simple. Then we will make the future simple. Shall also, yes. You're right. अच्छा question arise किया है कि helping verb, अभी आता हूँ इसी तरफ. आपने बोला कि सर दो helping verb हैं, एक will है और एक shall है. हाँ, एक विल है और एक शेल है, दो हेल्पिंग वर्ब है. आपने यहाँ पे लिखा है एक हेल्पिंग वर्ब, वैसे तो दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर सिंपल के. नो डाउट ऐसा ही है. फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट, याद है ना सब्जेक्ट अच्छी तरीके से, फिर भी बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है. आई वी यू ही, सही है, ये तो है इसके सब्जेक्ट. और इसके हेल्पिंग वर्ब है, एक है विल और पहले दो हुआ करते थे, एक विल हुआ करता था और एक शेल हुआ करता था. कह सकते हैं विल और शेल दो हेल्पिंग वर्ब हुआ करते थे फ्यूचर सिंपल में. हमने भी जब पढ़ा तो दो हेल्पिंग वर्ब थे. अभी भी लोग कहते हैं कि दो हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ कहते हैं दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ लोग यहां तक कहते हैं फ्यूचर सिंपल कोई टेंस ही नहीं है. कहते हैं विल एक मॉडल है, विल एक मॉडल है, जैसे शुड कुड, इस तरह विल एक मॉडल है और फ्यूचर सिंपल कोई टेंस नहीं है. ऐसा वो भी सही कहते हैं अपनी जगह, और ये भी सही है भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस है. अच्छा, दो हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, तो डिफरेंस बता दूं. आजकल
इंग्लिश से पहले शेल का इस्तेमाल बता दूं कि शेल क्यों यूज होता है. विल यूज होता है फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब. शेल दो आई और वी इनके साथ इस्तेमाल होता था शेल. और क्या कहा जाता था कि शेल इज किस लिए इस्तेमाल होता था. इट्स अ फॉर्मल स्टेटमेंट. फॉर्मल स्टेटमेंट के लिए लाइक ऑब्लिगेशन फर्ज. फ्यूचर सिंपल में ये शेल किसके साथ लगता था. आई और वी के साथ लगता था. और कब लगता था. जब आप बहुत फॉर्मल बात करते थे. जब आप कोई फॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं. जब आप कोई ऑब्लिगेशन फराइज की बात कर रहे हैं तो जब लगता था शेल. अभी भी कुछ लोग लगाते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट्स के अंदर. हाँ हाँ शेल लगाते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट में. अभी भी लोग लगाते हैं. ओके आपने सुना होगा जुमला वी शेल सरप्राइज यू. हम आपको सरप्राइज करेंगे. तो शेल स्टेटमेंट फॉर्मल स्टेटमेंट ऑब्लिगेशंस पे अभी भी लगता है शेल. सही है. मगर जर्नल इंग्लिश के अंदर से तकरीबन शेल खत्म हो चुका है. जर्नल फ्यूचर सिंपल से तकरीबन शेल खत्म हो चुका है. अब ज्यादातर आई हो वी हो यू हो ही हो शी हो इट हो दे हो चाहे रिक्वेस्ट हो चाहे कुछ भी नॉर्मल सेंटेंस हो विल ही इस्तेमाल होता है. मगर शेल इस्तेमाल होता था आई और वी के साथ. क्यों इस्तेमाल होता था. फॉर्मल स्टेटमेंट और ऑब्लिगेशंस में. अभी भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है. अच्छा शेल फ्यूचर सिंपल से खत्म हो चुका है. शेल मेरे अल्फाज पे ध्यान रहे. शेल फ्यूचर सिंपल से खत्म हो चुका है. ना के इंग्लिश से खत्म हो चुका है. ना के इंग्लिश से खत्म हो चुका है. अभी भी फ्यूचर सिंपल इंग्लिश में मौजूद है. किस लिए इस्तेमाल होता है. ऑफर के लिए इस्तेमाल होता है. ऑफर के लिए इस्तेमाल होता है. सेपरेटली ऑफर के लिए. अक्सर आपने मुझे देखा होगा मैं बहुत दफा ये सेंटेंस यूज करता हूँ. शेल वी स्टार्ट. शेल वी गो. शेल वी स्पीक. क्या हम बोलें. हम क्या हम चलें. शेल वी गो. ओके. शेल आई टेक टेस्ट. क्या मैं टेस्ट लूं. ऑफर के लिए इस्तेमाल होता है अभी भी शेल. फ्यूचर सिंपल से तकरीबन रिप्लेस हो गया है. तकरीबन बहुत कम यूज होता है. बहुत कम सुनने में आता है. विल ज्यादा सुनने में आता है. फिर भी शेल है. फ्यूचर सिंपल में भी लोग इस्तेमाल करते हैं. रिटन में स्पोकन में. मैंने ब्रिटिश से सुना इवन कि वहीं के पैदा हुए शख्स से उसने शेल को बहुत दफा मैंने देखा उसने यूज किया. तो मैंने उससे इस पर डिस्कशन की. मैंने कहा व्हाट अबाउट शेल. सही है. वी यूज इट. नो प्रॉब्लम. ओके. नो प्रॉब्लम. सेम लाइक शेल इज ऑल्सो यूज फॉर ऑफर. आई हैव लिसन फ्रॉम हिम दैट ही वॉज यूजिंग शेल मेनी टाइम लाइक शेल वी गो शेल वी स्टार्ट. Anyway, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि फ्यूचर सिंपल के दो हेल्पिंग वर्ब थे विल और शेल. शेल लगता था आई और वी के साथ फॉर्मल स्टेटमेंट के लिए ऑब्लिगेशंस के लिए. बहुत ज्यादा फॉर्मल समझा जाता था. मगर आजकल शेल को किक आउट कर दिया गया है. शेल को रिप्लेस कर दिया गया है और शेल को निकाल दिया गया है. निकाल देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में. क्या कहते हैं. निकाल देना. एक्सपेल. एक्सपेल कहते हैं निकाल देना. अमेरिकन क्या कहते हैं इसको. एक्सपेल को क्या कहते हैं. अमेरिकन. अमेरिकन वोकैबुलरी अजीब ही होती है. नहीं सॉरी. अमेरिकन वोकैबुलरी देखें कितनी अजीब होती है. ये क्या कहते हैं. अमेरिकन फायर. फायर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. सारी वोकैबुलरी की अमेरिकन जो है ना अजीब अजीब टेक्निकल टाइप की वोकैबुलरी है. ब्रिटिश बोलेंगे एम. माई एम इन लाइफ. एम समझ आती है बात. अमेरिकन बोलेंगे गोल. माई गोल इन लाइफ इज दिस. गोल मतलब गोल तो फुटबॉल में होता है. हाँ भाई वो टारगेट होता है. गोल तो एम और गोल. एक और जैसे 24/7. 24/7 क्या मतलब है. 24/7 कहते हैं कितनी टेक्निकल वोकैबुलरी है. 24/7 24 मतलब 24 घंटे और 7 मतलब 7 दिन. इस वोकैबुलरी का मतलब है हर वक्त. 24/7 आई स्पीक इंग्लिश 24/7. सॉन्ग सुना होगा आपने 24/7 I think of you. हर वक्त मैं आपके बारे में सोचता हूँ. 24/7 I think of you. Like this. 24/7. This shop is open. Yeah. The emergency of this hospital is open. 24/7. Like this, please. 24/7. American vocabulary. 24/7. Every time. 24 hours. Like this, please. 24/7. तो ये था will और shall का concept. आपको समझ आया होगा कि will किस लिए इस्तेमाल होता है और शेल किस लिए इस्तेमाल होता है. ये दोनों की जो है ना कंट्रोवर्सी है. ये दोनों का जो है ना तनाजा है. कंट्रोवर्सी तनाजा. कंट्रोवर्सी बड़ा ही पॉलिटिकल वर्ड है. कंट्रोवर्सी तनाजा. कश्मीर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. कश्मीर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. कॉन्ट्रोवर्सी झगड़ा तनाजा मसला इशू.
कंट्रोवर्सी, और एक होता है कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी अलग होता है, लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, कंट्रोवर्सी को भी और कॉन्स्पायरेसी को भी। कॉन्स्पायरेसी अलग है, क्या वर्ड है? कॉन्स्पायरेसी। क्या मीनिंग है कॉन्स्पायरेसी के? साजिश। क्या मीनिंग है? साजिश। आई नो दिस इज योर कॉन्स्पायरेसी, मुझे पता है ये आपकी साजिश है। दिस इज हिज कॉन्स्पायरेसी, ये इसकी साजिश है। यस, कॉन्स्पायरेसी साजिश। Anyway, yes, please come back to the lecture. Lecture की तरफ वापस आते हैं। We were talking about future simple. हम future simple के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये decide किया कि future simple बात करता है future actions की, ऐसे तमाम काम जो future में होंगे। और इसका formula था subject, आपको पता है, I, we, you, he, she, it, any name they, फिर will और shall, दो helping verb। मगर आजकल will इस्तेमाल होता है, मगर फिर भी formal statement और obligations में shall use किया जाता है। Future simple के अलावा shall offers के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Shall we start? Shall we go? We shall write, offer के लिए। We shall write, we shall go, shall we start, shall we write lecture, shall we take presentation? फिर subject, helping verb के बाद which form of verb? First form of verb, root form जिसको कहते हैं। First form of verb, then object। चाहे आई वी कुछ भी हो तो विल लगेगा। ओके, तो सेंटेंस पहले लिखा हुआ है आई विल टेक क्लास, या आने से पहले मुझे आप मैसेज करते हैं, कहते हैं सर नीचे खड़ो के हम लोग बात करते हैं, और आप कहते हैं सर आज क्लास लेंगे, द वेदर इज नाइस, वेदर इज वेरी प्लेजेंट, सो विल यू टेक क्लास, क्या आप क्लास लेंगे? मैं कहता हूँ यस। मैं अपना फ्यूचर एक्शन बताता हूँ, मैं कहता हूँ यस आई विल टेक क्लास, मैं क्लास लूंगा। शी विल गिव प्रेजेंटेशन, सबकी प्रेजेंटेशन हो गई, मिसाल के तौर पे हफ्सा रह गई, उनकी प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो वो रह गई, तो आप कहते हैं सर ये प्रेजेंटेशन देंगी? मैं कहता हूँ यस शी विल गिव प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन देंगी, वो प्रेजेंटेशन देंगी। फॉर एग्जाम्पल हमदान और सयान नहीं आ रहे हैं सेंटर, आप बोलेंगे सर वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहे सेंटर? दे आर नॉट कमिंग सेंटर, आई थिंक दे विल गो इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद जाएंगे। ये तमाम काम फ्यूचर में होंगे, तो आप लोग क्या क्या काम फ्यूचर में करेंगे? यस, यहां से जाने के बाद आई विल यूज मोबाइल, आई विल गोइंग टू, आई विल गो टू रूम, क्या काम है भाई जबरदस्त, आई विल प्ले गेम्स, आई विल ईट लंच, ये जरूरी काम है। यस, आई विल बाय सम ग्रोसरी, I will go library, boy. I will go masjid. Yes. I will ride bike. I will ride bike. I will study and work. I will go to tuition. I will go to tuition. I will go to shop. I will write my book. I will use mobile. हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ, मगर, मगर, मगर। मगर मैं देखता हूँ ब्रिटिश को जब भी वो इसको इस्तेमाल करते हैं हमेशा वो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? इस तरह सब्जेक्ट के बाद, इन सब के बाद, सब्जेक्ट और इन सब के बाद ऐसे ये वाला कॉमा लगता है और डबल एल, इस तरह। कभी भी आई विल नहीं बोलते, वो लोग कहते हैं आइल, आइल, शी विल नहीं, शील, दे विल नहीं, देल, आई विल गो मार्केट, मिला के बोलो जरा, I'll go market. Okay. We will speak English. Will speak English. He will give presentation. He'll give presentation. They will play cricket. They'll play cricket. She'll. She के साथ double L लगा दे, बस she'll. Comma हटा के सोचें. She'll. Okay. I'll. I, उसके बाद डबल एल आइल, ओके ये होता है बात। ओके आई विल टेक क्लास, मेनी टाइम हम कंफ्यूज, आई विल टेक क्लास, मेनी टाइम वी गेट कंफ्यूज, सम पीपल से लेट सपोज आई विल टेक क्लास, और कुछ लोग कहते हैं आई वुड टेक क्लास। वैसे तो वुड की बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, फिर भी आई विल टेक क्लास, आई वुड टेक क्लास, इन दोनों में फर्क क्या है? सर ये तो मॉडल है, वुड मॉडल है, सही है, ये टेंस है, आगे क्या फर्क है? दोनों का मतलब है मैं क्लास लूंगा, आई विल टेक क्लास, आई वुड टेक क्लास, मैं क्लास लूंगा, सर, चाहा तो मैं जरूरी लूंगा।
ना सर, ये फर्क सिर्फ विल और वुड का नहीं है, ये टेंसेज और मॉडल्स का है फर्क, कि ये एक फ्यूचर सिंपल है, ये एक मॉडल है। और याद रखें, हमेशा श्योर बात कौन करता है? हमेशा श्योर बात टेंस करता है। हमेशा पॉसिबिलिटी की बात कौन करता है? मॉडल्स। देखें ना सारे, कैन कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी, मैं शायद, पॉसिबिलिटी, शुड करना चाहिए, पॉसिबिलिटी, शुड करना चाहिए, पॉसिबिलिटी, मस्ट जरूर करना चाहिए, जरूर करता है, पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से वुड भी क्या है, अगर आप श्योर हैं तो आप बोलेंगे आई विल टेक क्लास, अगर आप श्योर नहीं है तो आप बोलेंगे आई वुड टेक क्लास। वैसे तो वुड की और भी वेरिएशन हैं, जब पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे, एक्स वाई जेड, बहुत सारे यूजेस हैं वुड के, मगर यहां पे आई विल टेक क्लास और आई वुड टेक क्लास में फर्क है कि मैं क्लास लूंगा, आई विल टेक क्लास श्योर, आई वुड टेक क्लास नॉट श्योर, आई वुड टेक क्लास नॉट श्योर, पॉसिबिलिटी, ओके, थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अच्छा एक और जुमला, एक और जुमला, मैं कहता हूं कि, मैं कहता हूं जहीर यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू थिंक आई एम प्रेजिंग यू, नो आई एम इंसल्टिंग यू, यू आर लुकिंग हैंडसम। अच्छा मैंने कहा आप हैंडसम लग रहे हो, फिर मैंने कहा मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे इंसल्ट हुई, अगर टेंसेस के थ्रू देखेंगे ना इंसल्ट हुई। चले एक और, या इन दोनों में क्या फर्क है, आई लिव इन कराची, यस आई एम लिविंग इन कराची, आई एम लिविंग इन कराची, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात की, मगर सेंस पीछे, बिहाइंड सेंस में क्या फर्क है, आई लिव इन कराची, आई एम लिविंग इन कराची, आप बोलेंगे सर एक प्रेजेंट सिंपल है और एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, एक का मतलब है मैं कराची में रहता हूं, एक का मतलब है कराची में रह रहा हूं, वेरी गुड, बस वेरी गुड, यू आर वेरी क्लोज, सिंपल अल्फाजों में वेरी गुड, सिंपल सिंपल अगर जवाब ढूंढा जाए आई लिव इन कराची और आई एम लिविंग इन कराची का, तो सिंपल जवाब हमें ये मिलेगा, आई लिव इन कराची परमिनेंट सिचुएशन, परमिनेंट सिचुएशन, आई एम लिविंग इन कराची टेम्पररी सिचुएशन। तो अगर मैं बोलता हूं यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो इसका मतलब है टेम्पररी सिचुएशन, अगर मैं बोलता हूं यू लुक स्मार्ट दैट मीन्स परमिनेंट सिचुएशन, सो यू वॉन्ट टेम्पररी सिचुएशन और परमिनेंट, परमिनेंट सिचुएशन ऑफकोर्स, यस आई लिव इन कराची, लेट सपोज मैं कहता हूं आई वर्क इन बैंक, मैं बैंक में जॉब करता हूं, बीन परमिनेंट लॉन्ग टाइम के लिए, और मैं कहता हूं आई एम वर्किंग इन बैंक, इस मीन शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये विल और वुड था और आई एम लिविंग इन कराची और आई लिव इन कराची था। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि आई विल को मिला के आइल कहते हैं। अच्छा अब आते हैं फ्यूचर सिंपल के नेगेटिव की तरफ, आई विल टेक क्लास इसका नेगेटिव है, आई ओ माई गॉड विलन, No, I will not take class. ये इसका नेगेटिव होगा कि मैं क्लास नहीं लूंगा। इंटरोगेटिव क्या होगा? Will I take class? हाँ, will I take class? क्या मैं क्लास लूंगा? I will take class. I will not take class. अरे क्या हो गया? Willn't नहीं होता। Will not को मिला के क्या बोलते हैं? Willn't कह रहे हो तुम, Willn't नहीं होता। विल नॉट को मिला के हमेशा क्या कहते हैं? वॉन्ट, वॉन्ट, यस। विल नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट। विल नॉट का कॉन्ट्रेक्शन क्या है? विल नॉट का कॉन्ट्रेक्शन वॉन्ट है, वॉन्ट। आई विल प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट। थोड़ा सा ओ को जो है ना रोल करते हैं, थोड़ा सा ओ हमेशा स्ट्रेच होता है इंग्लिश में, गो सो इस तरह स्ट्रेच होता है हमेशा। सो आई विल नॉट टेक क्लास, आई वॉन्ट टेक क्लास। Will I take class? So this is a contraction of will not is won't. Okay? I won't take class. I won't speak English. I won't write lecture. This is all about won't. सवाल होगा will I take class? So कुछ sentences हो जाएं. Okay? आप यहाँ से जाके क्या क्या करेंगे? Okay? पहले हसन, मैं घर जाऊँगा. हाँ, मैं relax होऊँगा. I'll get relaxed. Okay, फिर मैं market जाऊँगा. मैं कुछ ग्रॉसरी खरीदूंगा।
मैं घर आऊंगा आई विल कम बैक टू आई विल कम बैक टू होम फिर मैं रेडी होऊंगा गेट ओके फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलूंगा विल लीव फॉर आई लीव फॉर यूनिवर्सिटी ओके मैं यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा आई विल रीच आई यूनिवर्सिटी मैं क्लास लूंगा मैं कैंटीन जाऊंगा मैं चाय ऑर्डर करूंगा मैं अपनी अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा ये वो 5 बजे आएगा वो आएगा वो आएंगे नहीं वो आएगा 5 बजे o'clock ओके हम असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे हम असाइनमेंट सबमिट करेंगे वी विल सबमिट हम टीचर से मिलेंगे हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे ओके फिर हम क्लास में जाएंगे हम क्लास में जाएंगे वी विल गो टू ओके हम बैग पैक करेंगे या वी विल पैक द बैग हम यूनिवर्सिटी से निकलेंगे वी विल लीव यूनिवर्सिटी हम कोचिंग जाएंगे हम क्लासेस लेंगे ओके हम लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे हम लेक्चर प्रैक्टिस करेंगे वी विल प्रैक्टिस द लेक्चर देन मैं घर जाऊंगा ओके मैं क्रिकेट खेलूंगा फिर थोड़ा मोबाइल यूज करूंगा फिर मैं डिनर करूंगा आई टेक डिनर ओके आई विल ईट डिनर ओके फिर मैं टीवी देखूंगा ओके मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा ओके मैं होमवर्क करूंगा आई विल डू फिर मैं सो जाऊंगा आई स्लीप Then I will sleep. This is all about future actions. In our daily conversation, we use many times this future simple. A lot of time. What is future simple? We use it for future actions. Aise tamam kaam jo future mein honge. Future mein honge. Jiska formula hai subject plus helping verb plus verb first form plus object. Aur helping verb pehle do hua karte the, ab ek hi hai will. Pehle hote the will aur shall. दो हेल्पिंग वर्ब थे या या नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बोथ आर सेम मैं स्कूल को जाऊंगा मैं स्कूल जाऊंगा दिस ओके सो लाइक दिस वी से ओके यू अंडरस्टैंड नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस फॉर फ्यूचर सिंपल